हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकिक टैरो 3 गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं, क्या आपसे बोलना चाहते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पर यही जानेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, फिर भी उनके दिल में जो बातें चल रही हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको, क्या है वो बातें। सो गाइस, जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग सभी साइंस के लिए, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और अगर यहाँ पर कुछ एक्शन का निकल कर आता है तो डेफिनेटली हम एंजल आंसर्स के थ्रू देखेंगे कि वो एक्शन कब तक आ जाएगा आपके पर्सन का आपके लिए। ओके, सो गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, कार्ड को शफल करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है निकल के आपके लिए। ओके, और आप बस सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, दबा दो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। चलिए मून पाइसेस, द फूल एरीज सजिटेरियस, फोर ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, we have seven of swords, two of pentacles, king of wands, eight of cups, judgment, nice, six of pentacles। सो ये कुछ साइंस यहाँ पर आए हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ थोड़े से, तो पर अभी सारे बता देता हूँ दोबारा से। पाइसेस वी हैव स्पेशल, एरीज सजिटेरियस वी हैव स्पेशल, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो साज, एंड स्कॉर्पियो एरीज एक्वेरियस टॉरस वर्गो एंड एरीज। ओके, ये कुछ साइंस हैं यहाँ पर, तो बाकी तो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, वाटर भी है, फायर भी है, एयर भी है, अर्थ भी है, तो बाकी साइंस तो यहाँ पर सारे हैं और जो स्पेशल साइंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में द मून कार्ड जो कि हमें दिखा रहा है इश्यूज़ हैं, और इश्यूज़ काफ़ी मेजर हैं उनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं उनकी घर वालों से उनकी नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू भी है, और कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। तो डेफिनेटली वो, मेरे को लगता है कि वो अभी इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। और टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं है। इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, इस पर्सन को चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि पहले तो दिमाग खाली हो, दिमाग में जो क्योस जो भसड़ मची हुई है वो ख़त्म हो, देन उसके बाद ये पर्सन को डिसीजन लेंगे। बट फिर भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इनडिसीजन की सिचुएशन में रहेंगे। इन्फिनिटी जबकि इनका साथ दे रही है, बट ये अपना साथ शायद में भी खुद नहीं दे पा रहे हैं, और मे बी इनकी लाइफ में जो इनके पेरेंट्स हैं उन पर बहुत दबाव बना रहे हैं कि जॉब करियर इस्टेब्लिशमेंट, करियर इस्टेब्लिश करो, कोई मतलब कुछ अपना खुद का काम स्टार्ट करो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ मुझे पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपसे, इस पर्सन को रिकंसिलिएशन चाहिए, और इस पर्सन के लिए बहुत ऑफर आ रहे हैं नए नए, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर लाइक यू नो बुआ फूफा मामा मामी होते हैं जो कनेक्शन बनाने के लिए लगे ही रहते हैं हर वक्त, कि कुछ ना कुछ रिश्ते लाते रहते हैं, तो नए नए रिश्ते आ रहे हैं, बट ये पर्सन अभी भी स्टक है आप ही पर जो कि मुझे यहाँ से दिख रहा है। बट इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है अभी,
इस पर्सन को ये क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर कि आप मतलब फैमिली और आपके बीच में कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करना चाहते हैं ये, बट मे बी नहीं आ पा रही है। वो विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स में देख सकता हूँ कि पर्सन कहीं और नहीं जाने वाले, बट फिर भी इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो इसलिए इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा पेन में रहते हैं हर वक्त। और एक आपके मतलब एक मुझे ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है इनकी लाइफ में कि जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है अपनी फैमिली की तरफ से तो ये निकल लेते हैं आपकी लाइफ से। इन एंड आउट सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, फैमिली दबाव बनाती है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ से हटके कहीं और ही मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं अपना टाइम, लाइक अपने करियर की तरफ, अपने करियर की तरफ टाइम मैनिफेस्ट करते हैं। और जब इनको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम दे लिया तब देन वापस ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन एंड आउट सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा। बट द किंग ऑफ वैंड्स जो है हमारा कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में ऑनरेबल वर्क करेंगे जिससे कि लोग इनको समझेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि क्या है, क्या चीज़ है ये और कितना है इनके अंदर कैलिबर, कितना इनके अंदर करेज है जो ये अपने लिए कुछ कर सकते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है ये उसमें भी खुश होंगे क्योंकि ये कुछ और ही चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि अपने करियर को तो स्टैब्लिश कर लेंगे बट इनका जो नाइन्थ कप है, जो इनकी विश है, फुलफिल विश जो चाहते हैं होना, वो नहीं हो पा रही है। और वो विश आप हो तो वो विश इनको नहीं मिल पा रही है इनकी, जो कि वो आप हो तो डेफिनेटली ये विश फुलफिलमेंट के लिए। तो देखें यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ चुका है, तो गॉड कुछ ना कुछ जजमेंट करेंगे, आप दोनों की लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में गॉड गुड लक लेकर आएंगे। गुड लक है, बैलेंसिंग है, तो डेफिनेटली गुड लक आएगा तो डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी और ये पर्सन आपके पास होंगे। वैसे रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है तो अगर ये रिकंसिलिएशन होता है तो कब तक होता है ये मैं जानूंगा एंजल आंसर से। ओके, रिकंसिलिएशन अगर जानना है तो एंजल आंसर जरूर देखिएगा। अबंडेंस, वाओ, काफ़ी अबंडेंट फील कर रहे हैं इस टाइम ये पर्सन, मतलब आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं, आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप इनके लिए अबंडेंट हो बहुत ज़्यादा। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मैंने कहा ना अभी प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी लाइफ में, बट ये उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ से। और प्यार तो भर भर के, क्रिएटिविटी तो काफ़ी क्रिएटिव कनेक्शन होने वाला है आप दोनों का भी। देखिए अबंडेंट मानते हैं आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन, और ये जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में चल रहे हैं इसमें एनर्जी से बाहर आने के लिए भी ये वर्क कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इनको मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए लव का कार्ड आया है तो डेफिनेटली प्यार तो आप दोनों के बहुत ज़्यादा है बीच में, दोनों में ही यूनिवर्स ने आप दोनों को बनाया, पीछे आप यूनिवर्स देख सकते हो। तो डेफिनेटली से देखिए फुलफिलमेंट ऑफ विश, जो पहला ही कार्ड, जो भी इनके विश है वो जल्द ही फुलफिल होगी। नेक्स्ट सेक्शन देखें हम तो बहुत जल्द फुलफिल होने वाली है इनके विश। वी हैव नंबर 9 अगेन, तो डेफिनेटली मटेरियल हार्वेस्ट आया हमारे पास, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होगा, सेल्फ सफिशिएंसी होगी अपने अपने इस कारोबार में, जो भी ये करना चाहते हैं, जो भी ये पाना चाहते हैं उसमें सबसे आगे बढ़ेंगे ये। प्रॉस्पेरिटी बिगेन्स, तो पैसा तो होगा इनकी लाइफ में, काफ़ी अच्छा खासा पैसा होगा। वाओ, अगेन जजमेंट ट्रूथ, तो डेफिनेटली इस रिश्ते का सच तो सामने आएगा ही आएगा आपके, और ये सच यही है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं वापस से, तो ये आएंगे भी ज़रूर। और ओके, वी हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है हमारे पास। ओके, तो फाउंडेशन भी है और अचीवमेंट भी है, तो फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली आगे चल के आप कुछ ना कुछ जरूर अचीव करोगे, कुछ ना कुछ आपको तो जरूर मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। बाकी देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक मैसेज आ गया है, ठीक
चलिए कुछ मैसेजेस आ गए हैं, थोड़े से और ले लेता हूँ मैं खुद से अपने आप से आपके लिए। ओके तो मैसेज बॉक्स मैंने रख दिया है, अब मैं इन सबको उठाता हूँ और आपके लिए पढ़ता हूँ। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आपको अपनी लाइट मानते हैं अपनी ज़िंदगी की। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, वाओ। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, BABY baby. You accept and respect my limitations. Okay. You know me better than I know myself. आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो, और जबकि ये इतना अच्छे से अपने आप को नहीं जानते, और आप इनकी limitations के respect भी करते हो, इन्हें accept भी, उन्हें accept भी करते हो। You pamper me like a baby. आप इन्हें एक बच्चे की तरह pamper करते हो। You are my other half, soulmate. We can chat forever. मुझे लग रहा है कि एक्शन हो जो आएगा वो चार्ट से ही होगा स्टार्ट, मुझे लगता है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, इनके सपने आपके सपने, आपके सपने इनके सपने। यू हैव द क्यूरेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ, बहुत ही प्रीटीस्ट स्माइल है आपकी, क्यूरेस्ट स्माइल है आपकी इस धरती पर। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट, कभी गिव अप नहीं किया आपने इस पर्सन पर, यही तो सबसे अच्छी चीज़ है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है जो भी आप करते हो उस चीज़ के लिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो गाइस हमारे पास आया था रिकंसिलिएशन, तो देख लेते हैं क्या ये रिकंसिलिएशन होगा। सक्सेस, वाओ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सक्सेस तो मिलेगी आपके पर्सन को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपने फ्रेंड्स कलीग्स जो भी जो मतलब जो भी लव्ड वंस हैं आपके, अगर आपका कोई आपका पर्सन आपसे ऑफिस में मिले हैं और आपके कलीग्स आपके बहुत क्लोज हैं तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। अगर आप इस पर्सन को जानते हो और आपके कुछ कजन्स या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स इस पर्सन को जानते हो तो आप अपने आसपास के लोगों से हेल्प ले सकते हो। ओके वी हैव नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी समय सही नहीं है, बट एक्शन आएगा, लेंगे ये एक्शन, ठीक है, एक्शन का कार्ड आया तो एक्शन तो आएगा। यस एक्शन जरूर आएगा, और रिकंसिलिएशन के लिए भी मैं इस कार्ड को कंसीडर कर सकता हूँ। तो यस आया हमारे पास, ये बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, और देखिए इसमें भी यस आया, एक और यस आया, बट मैं इसको नहीं लूँगा क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड हैं। सो वी हैव नो नीड टू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर अभी राइट टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे राइट टाइम आएगा। थोड़ा सा वेट करना होगा पर रिकंसिलेशन हो जाएगा। रिकंसिडर, हर एक चीज़ को दोबारा से रिकंसिडर करना होगा, हर एक चीज़ को अच्छे से जांचना परखना होगा, समझना होगा, और तब जाके अच्छे से मैनिफेस्ट करना होगा तो रिकंसिलेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या गॉड कह रहे हैं, गॉड को भी सुन लेते हैं एक बार। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, गॉड आपकी मदद कर रहे हैं, एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमिल, तो आपका थर्ड चक्र ओपन कराएंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन कराएंगे डेफिनेटली। डोर टू स्पिरिट, आपको ज़रूरत है गॉड से कनेक्ट करने की, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करने की। अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा, गॉड कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अटैच हो एक दूसरे से। कॉर्निकोपिया, तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट तो आप ही का है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग चल रही है अभी थोड़ी सी लाइफ में, बट कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी। ये केयरिंग कनेक्शन बनेगा इसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग के बाद। एंड वी हैव डिसीट, तो कुछ धोखेबाज लोगों से बच के रहना, ठीक है, तभी आया है यहाँ पर रिकंसिडर कार्ड, हर एक चीज़ को दोबारा से रिकंसिडर करना। ओके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे हैं लाइफ में, वो भी खत्म हो जाएंगे बिकॉज आपके पास कॉर्निकोपिया आ गया, फ्रूटफुल रिजल्ट आ गया, मनी वो मटेरियल हार्वेस्ट था, तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ होगा आगे चल के। सो गाइस ये है आपकी आज की रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।